कहाँ का आया था? कौन गाँव? करगावा का मिस्त्री था। सब संघाट उघाट लगा के इसमें यहाँ सब खींच रहा था। कुछ भी नहीं, नीचे भी नहीं जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ का मिस्त्री बहुत सारा इसमें प्रयास किए, कोशिश किए, संघाट लगाए, चेंकुपी लगाए, तो इसमें कोई भी मतलब निकलने का चांसेस नहीं हुआ, नहीं निकला। और देख सकते हैं कितना यहाँ पर कादो कीचड़ निकला हुआ है इस मोटर से जब चलाया गया था। इसमें करीब 350 फीट ये बोरिंग हुआ है, ड्रिलिंग हुआ है, और ये नॉर्मल बोरिंग है, डिप बोरिंग नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं लकड़ी वगैरह यहीं पर सब रखा हुआ है, और इसमें फ्लेंज भी लगा हुआ है, और देखिए पूरा फ्री है। फ्री है मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और इसमें देख सकते हैं इस पाइप के अंदर कितना सारा ये कादो बालू समेत दोनों घुल मुल के आया है इसमें पानी के साथ। देखिए कितना सारा है। इसके वजह से क्या हुआ है कि बोरवेल पर धस गया है, और धसने के बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका मिट्टी और बालू दोनों साथ में नीचे बैठ गया। बैठने के बाद फिर क्या हुआ कि मोटर जाम हो गया, मतलब ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है। अब इसको स्टार्ट करने के बाद फिर देख सकते हैं इसमें एम्पियर ठीक ठाक ले रहा है, जबकि ये इसका कॉलम पाइप जो है करीब 20 पीस गया है, यानी कि 200 फीट नीचे इसका ये समरसेबल फिटिंग है। उसके हिसाब से 150 का मोटर लगभग 10 एम्पियर ले रहा है, 8-9 एम्पियर के बीच में। तो चलिए अब इसको निकालने का दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें दूसरा जुगाड़ निकालने के लिए बुलाया गया है फ्लश वाले को, तो इस बोरवेल में फ्लशिंग करना होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या मटेरियल लगता है, आप लोग को पूरा आप देख सकते हैं। तो इसमें वाटर पंप लगेगा, और इसके साथ देखिए ये सेक्शन पाइप है, इसमें डबल सेक्शन पाइप लगेगा दोस्तों इस वाटर पंप में। तो इसको चलिए फिटिंग करते हैं। और यहाँ पर एक पानी का टंकी लगेगा, तो पानी का टंकी भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद देखिए ये 1.25 इंची का पाइप है इसमें, और देखिए दूसरा सेक्शन पाइप, इसमें करीब दूसरा सेक्शन पाइप जो है बहुत लंबा है। और इस सेक्शन 1.25 इंची पाइप में निपल लगा हुआ है 1.25 इंची का, और एक पूरा GI का रहेगा। देख सकते हैं GI पाइप एक 10 फीट का पूरा रहेगा, और बाकी जो 1.25 इंची का 80 पाइप है उसमें छोटा छोटा निपल सॉकेट लगा हुआ है। तो इसमें डालना स्टार्ट कर रहे हैं इस पाइप को। सबसे पहले नीचे जाएगा GI पाइप, उसमें रस्सी बंधाएगा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कहीं फंस जाए तो खुल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें भी एक रस्सी बांधा जाता है। और ये जो पाइप जो है 80 पाइप है दोस्तों, जो हैंडपम्प में लगता है, जेट पम्प में लगता है 1.25 इंची का, वही पाइप है। तो इसमें एक एक करके पाइप इसमें कनेक्ट करेंगे। और इसमें क्या होता है कि देख सकते हैं इसमें 80 पाइप में नेपुल लगा हुआ है, सॉकेट भी लगा हुआ है। इसमें नेपुल इसलिए लगाया गया है कि ये बार बार खुलता है लगता है तो इसका थ्रेड ख़राब हो जाता, जिसके वजह से GI का नेपुल लगा दिया गया है। तो इतना सारा पाइप इसमें डालेंगे, उसके पहले देखिए समरसेबल का जो कॉलम पाइप है थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो कॉलम पाइप में जो GI एल्बो लगा हुआ है इसको खोल लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा परेशानी कर रहा था, टच हो रहा था हाथ में, तो हाथ में लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, 10 फीट का जगह है, लेकिन उसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो दिक्कत हो रहा था। पूरा पाइप को अंदर डाल के फिर इसे फिटिंग करना पड़ रहा था। तो इस पाइप को पूरा रेंच से कसना नहीं है, सिर्फ हाथ के द्वारा से कसना है। इसमें आप देख सकते हैं 1.25 इंची का पाइप कसते हुए सीधे नीचे इसको डाल रहे हैं, और इसको डालना है कहाँ तक, जहाँ आपका बालू का एंड होगा, जहाँ तक आपका ये बोरवेल भर गया होगा बालू मिट्टी से, वहाँ तक इसको इस पाइप को डालना है, पहुँचाना है। हाँ ये चालू कर। तो बोरवेल हमारा जहाँ तक भर गया था वहाँ तक पाइप पहुँच गया दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसमें सेक्शन पाइप को कनेक्शन करेंगे। तो
तो उस पाइप को क्या है कि पूरा घुमा लेना पड़ रहा है कि थोड़ा सा फंस रहा है बालू मिट्टी में, वो फंसेगा ही, जब नीचे जाएगा तो फंसेगा, लेकिन थोड़ा उसको फ्री करना होगा क्योंकि इस सेक्शन पाइप को उसमें कनेक्ट करना है, तो घुमा घुमा के ही इसमें कसाएगा। तो थोड़ा सा साथी लोग इसको थोड़ा सा फ्री कर ले रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर नीचे करके थोड़ा सा घुमा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि सेक्शन पाइप को इस तरह से घुमा घुमा के इसमें लगाना होगा, तो सेक्शन पाइप तो घूमेगा नहीं, तो इसका नीचे जो पाइप जितना सारा गया है उसको ऊपर नीचे करके घुमा घुमा के इसमें कसा जा रहा है। कसने के बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा वाटर पंप बाहर लगा हुआ है, पानी टंकी में कनेक्शन किया हुआ है। किसी का आगे वाला घुमा के बांधेंगे तो नहीं, नहीं। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या हो गया है कि बोरवेल के थ्रू से पानी इसका नहीं निकल रहा है, जबकि देखिए घर के बाहर के जो है ज़मीन से पानी पूरा निकल रहा है, जो बोरवेल में पूरा फ्लशिंग हो रहा है जब मोटर के द्वारा जो पानी जा रहा है तो उससे नहीं निकल रहा है, इसके बाहर से निकल रहा है, देख सकते हैं कितना सारा पानी इधर निकल रहा है। देखिए यानी कि ऐसा कैसी पाइप जो है टूट गया होगा, कहीं ऊपर ही कहीं टूटा होगा जिसकी वजह से पानी पूरा इधर से निकल रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं टूटा होगा, ऊपर ही टूटा होगा 5-6 फीट में। तो बोरवेल में जो मोटर फंसा हुआ है तो पूरा फ्री हो गया है, फ्री होने के बाद देखिए पूरा ये बाहर निकल जा रहा है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसमें पाइप जो पहले फ्लशिंग वाला पाइप जो है उसको पहले निकाल ले रहे हैं, पहले इसको पूरा निकाल लेना होगा, उसके बाद फिर समरसेबल का पाइप को निकालना होगा। तो पूरा पाइप इस तरह से निकाल ले रहे हैं, देखिए इसमें रस्सी बंधा हुआ था फ्लशिंग पाइप में। तो दोस्तों अभी ये पूरा काम हुआ नहीं है, अभी क्या है समरसेबल को पूरा बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस और भी करना है।
मतलब ऊपर ही फटल है। अब कितना केसिंग कहां पर फटा हुआ है जो डैमेज हुआ बोरवेल उसका पता चल गया दोस्तों। समरसेबल को बाहर निकालते वक्त यहां पर देखिए अटक रहा है समरसेबल, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, तो इसको झटका मार के फिर ऊपर इसको खींचा जा रहा है, पूरा फंस गया है यहाँ पर। रस्सी भी छोड़ दे रहे हैं, पाइप को भी छोड़ दे रहे हैं, तो पूरा ये रुक जा रहा है यहाँ पर। तो केसिंग पाइप क्या हुआ कि डैमेज हो गया है, जिसके वजह से पूरा बोरवेल भर गया है। तो देखिए इस पाइप को किसी तरह से निकालना पड़ेगा ही, नहीं निकलेगा दिक्कत हो जाएगा। तो निकल जा रहा है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा लेकिन निकल जा रहा है हल्का सा। वहाँ क्या होगा कि केसिंग पाइप जो है, अभी बारिश का मौसम अभी जब बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो क्या प्रेशर पड़ा होगा केसिंग पाइप में, जिसके थ्रू से क्या है कि पानी का रास्ता नहीं मिला तो फाड़ दिया होगा, या फिर केसिंग में कोई तरह का कमी होगा जिसके वजह से फट गया, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए समरसेबल को पूरा निकालते हैं, देख सकते हैं इस पाइप में कितना लाल कलर का पानी इसमें निकल रहा है, मिट्टी वाला पानी देख सकते हैं आप। चढ़ा करके निकालना होगा बहुत है। अरे बलुआ है पूरा कदवा है, समरसेबल मोटर निकालने के बाद फिर से इसमें क्या है कि फ्लशिंग पाइप को पूरा अंदर डाले हैं, जैसे कि 200 फीट तक ये समरसेबल फिटिंग था, तो 200 फीट तक मान लीजिए क्लियर हो गया, लेकिन अभी बालू और कादो इसका मिट्टी निकला नहीं था, और ये बोरवेल है 350 फीट, तो इसको पूरा क्लियर करना है। देख सकते हैं इसमें पानी पूरा ऊपर तक आ रहा है, यहाँ पर देखिए जहाँ इसका ऊपर तक पानी वहीं पर कैसिंग ऊपर का भी टूटा हुआ है, जिसके वजह से पानी बाहर निकल रहा है। तो फिर से इसमें फ्लशिंग हो रहा है दोस्तों, पूरा क्लियर करना है इस बोरवेल को। तो देख सकते हैं पानी हमारा ये ऊपर तक आ रहा है, अभी पानी जैसे कि बाहर जिस तरह से निकल रहा था उधर अगर नहीं निकलता तो इधर बहुत बेजोड़ पानी निकलता इधर से, लेकिन आधा पानी तो बाहर ही निकल जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो पूरा क्लियर करना है बोरवेल को, पूरा सही कर देना है। देख सकते हैं देखिए कितना पानी निकला है इधर, कितना बालू मिट्टी के साथ निकला है, देखिए इधर भी पानी देखिए भर गया है, इधर भी एकदम खचाखच पानी का भरा हुआ है, देख सकते हैं। यानी कि बोरवेल पूरा क्या है क्लियर हो जाएगा, बालू मिट्टी जितना उस बोरवेल में भर गया है सब क्लियर हो जाएगा। तो 350 फीट का बोरवेल है, तो उसमें 350 फीट का पूरा क्लियर करना है, जहाँ तक क्लियर होगा क्लीन करना है उसको फ्लशिंग के द्वारा से, पूरा आपका बोरवेल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर होने के बाद फिर क्या होगा कि इसमें अभी इसमें 6 इंची का पाइप इसमें डला हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 5 इंची का केसिंग पाइप अलग से फिर से डालना होगा, जहाँ पर केसिंग जो फटा हुआ है उसको पूरा पैकिंग करना होगा। तो देखिए इसमें पूरा क्लीन हो गया है, अब इस पाइप को पूरा निकालना पड़ रहा है, पूरा सेक्शन पाइप को, और इसमें जो सावा इंची का 80 पाइप था उसको पूरा निकाल ले रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों बोरवेल से इतना सारा बालू निकला इसमें, पूरा ये क्या हुआ कि जो केसिंग जो फटा, जिसके चलते से पूरा ये पूरा यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक निकला, इतना सारा बोरवेल भी क्लियर हो गया, अब उसमें केसिंग पाइप डालेंगे। तो आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर आप लोग भी निकलवाना चाहते हैं कहीं अगर समरसेबल फंसा हो, तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन किया हुआ है, आप उस कांटेक्ट करके उसमें आप बात कर सकते हैं और अपना ये समाधान को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।